महिला से दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद एक कथित तांत्रिक के खिलाफ मल्हारगंज थाने पर भी तंत्र विद्या के नाम 5 लाख रुपए ऐंठने की शिकायत दर्ज हुई है। एएसपी प्रशांत चौबे के अनुसार आरोपी को प्रोडक्शन वारंट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल मल्हारगंज थाने पर एक फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि निर्मल सोनगरा नामक कथित तांत्रिक ने तंत्र विद्या के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की है। फरियादी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारिकापुरी थाने में महिला से दुष्कर्म के मामले में पूर्व से ही जेल में बंद है। एडिशनल एसपी के अनुसार उक्त आरोपी ने महिला के विकलांग पति को ठीक करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और मामले का खुलासा करेगी। ये एक आरोपी जो कि पहले से ही इसी प्रकार के एक केस में जेल में था, थाना द्वारकापुरी से, जिसमें महिला को उसके विकलांग पति को ठीक करने के नाम पर उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार किया गया था। इसी कंसर्न में कल एक मल्हारगंज में रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें उसने बताया कि आरोपी निर्मल सोनगरा जो है उसने उसकी परेशानियों को दूर करने के नाम पर तंत्र क्रिया और कुछ वैसा कुछ कराया और उसके बाद उससे 4-5 लाख रुपए ले लिए थे और रुपए वापस नहीं कर रहा था और लगातार इसको परेशानी थी, तो उन्होंने रिपोर्ट कराई है। कितने आरोपी बने इसमें? एक आरोपी है अभी तो, और जो कि अभी ऑलरेडी पहले से जेल में है, तो पुलिस उसमें प्रोडक्शन वारंट पर रिमांड लेकर उससे पूछताछ करेंगे और उस मामले में अन्य चीज़ों का खुलासा करेंगे। ये जनरली वैसे तो बताते हैं कि वीडियोग्राफी का काम करता है और शादियों में वीडियोग्राफी वगैरह करना इस टाइप का काम इसका करने का रहा है, लेकिन अभी इसमें बैक टू बैक दो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक तो बलात्कार ही था, जिसमें महिला ने के द्वारा बताया गया कि इसने उसके विकलांग पति जो थे उनको ठीक करने के नाम पर कुछ, उनको उस महिला का कहना था कि इसने कुछ किया तो उससे उनको रिलीफ मिला तो वो फिर उसके झांसे में आ गई, और इस दौरान फिर उसने उसको महू ले जाकर और संबंध बनाना शुरू कर दिए और झांसे में लेकर बलात्कार किया था। तो ऐसी संभावना है कि ये इस प्रकार के काम साथ में कर रहा था, और कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं जिसमें फरियादियों के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें उस प्रकार के फ़ोटोज़ हैं जिससे लग रहा है कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। प्योर रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।